तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबमर्सिबल मोटर है 10 HP का, कितने अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है। देख लीजिए, देखिए कितना अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए। यह भी 10 HP का मोटर है जो वाइंडिंग पहले से कर कर रखा गया है, ठीक है। देख लीजिए पंखे है इसका, बहुत मजबूत पंखे है दोस्तों। तो देख लीजिए पीछे का सबमर्सिबल का है, देख लीजिए अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है और धागा भी मारा गया है। देखिए हमारे गुरु जी है जो क्लच प्लेट बना रहे हैं इस मोटर का, देखिए वो मोटर बना गया है, वो मोटर का क्लच प्लेट बना रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों यही मोटर है जो मेरे गुरु जी क्लच प्लेट पर हैं, देख लीजिए यही क्लच प्लेट है पीछे, जो मोटर हम जो वाइंडिंग कर कर इसे चालू करेंगे तो एक क्लच प्लेट है जो अच्छी तरह से पकड़ लेगा और बंद करेंगे तो छोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मेरे गुरु जी अब इस सबमर्सिबल को वाइंडिंग कर कर कस रहे हैं, देख लीजिए मेरे गुरु जी हैं जो हमको सिखलाते हैं अच्छे तरह से दोस्तों। तो आप भी गुरु जी को बात मानना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और मन लगा कर सीखना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों ये बड़ा सबमर्सिबल है। तो दोस्तों देख लीजिए एक 10 HP का और मोटर आया है, इसका एक कॉइल जल गया है, ठीक है। बड़ा मोटर में ही होता है, एक कॉइल है, दो कॉइल जल जाने पर फिर से वाइंडिंग की जाती है। देख लीजिए दोस्तों आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका कॉइल जल गया है, देख लीजिए कितना बुरी तरह से जल गया है। बस ये कहीं कॉइल जलाए, इसे वाइंडिंग कर कर दिखलाएंगे आप लोग को अगले वीडियो में। तो देख लीजिए दोस्तों कितनी बुरी तरह से जल गया है इसका कॉइल, ठीक है। तो दोस्तों बने रहे आज़ाद।